तो इनको कितने साल से बांध कर आप रख रही हैं? 11 साल से। इलाज अगर करवाया जाए तो ठीक हो सकते हैं कि नहीं? हाँ ठीक हो जाएंगे। मतलब इलाज है इस दुनिया में? हाँ। हम वह सोनू सर से हम अति करता नहीं, हम जब वहाँ से हम कर जोड़ता नहीं, हमारा बच्चा का नियमन करा दी। गाय भैंस घोड़े गधे को आज तक आपने बंधते हुए देखा होगा, पेड़ में रस्सी के सहारे बांध दिया जाता है ताकि वो भाग ना सके। लेकिन अभी इसी रास्ते से मैं जा रहा था, एक अभी 11-12 साल का एक बच्चा है जिसको पेड़ से बांध कर रखा गया है। मन में बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर इसे पेड़ से बांध कर क्यों रखा गया है, क्या कमियां हैं जिसकी वजह से इस बच्चे को पेड़ से रस्सियों के सहारे बांधा गया है। और यह बच्चा अपने आप में जो है घूम घूम रहा है और तमाम प्रकार की गतिविधियां कर रहा है, बस बात नहीं कर रहा है। जानने की इच्छा जागृत हुई तो अचानक से गाड़ी रुक गई हमारी। यहां पर जानकारी मिली कि बच्चा जो है मानसिक रूप से बीमार है और बुद्धि का विकास नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं इसको पेड़ से बांध कर रखा जाता है। क्या कौन है ये आपके? हमारा लड़का है। अच्छा इधर आइए थोड़ा सा। इनको क्यों बांध कर आपने रखा हुआ है? रखले बन यही से जई भागलन कोही ना कोही। इधर आइए इधर। कितने साल के हैं ये? 16 साल के। 16 साल के। कब से पता चला कि ये क्या बीमारी है इनको, और आपने इलाज उलाज करवाने की बात नहीं की? हम इलाज करौले रहनी, जनस टाइम बीमारी भरे टाइम इलाज करौले रहनी, ओकरा बाद से पैसा ना भल हम इलाज कराई। हम ये कहतनी जे हमरा के कोनो मदद दी लगी, जे हमर बच्चा हमरा पैसा कौड़ी ना चाहे, हमरा बच्चा के इलाज करा दी लोग उतने हमरा अथी बाट। हमर बच्चा कौन करवाएगा इलाज? सरकार और कार की तरफ से आपने दिखाने का प्रयास नहीं किया? करत नहीं केहू हमरा ला नहीं क्या खड़ा होते, इतना तो अति कर चुकनी केहू नहीं खेती करत, ना मुखिया ना केहू नहीं खेती हो, हम बहुत गरीब लाचारी आदमी बनी। तो कौन इलाज करवाएगा आपका? अब रंग से ये अति हम करता नहीं जे केहू दाता हो को जे हमरा बाबू के इलाज करा देव जे हम अति हो जाए। देखिए एक बेबस माँ है, बस ये अपने बच्चे को बांध कर रखती है इसलिए कि इनकी कोख से बच्चा जो पैदा हुआ ही भाग कर नदी और कुआं तालाब में ना चल जाए, बल्कि इनका आत्मा भी रोता है और इनका दिल भी रोता है, क्योंकि जिस बच्चे को इन्होंने कोख से जन्म दिया और इसके बाद पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, और इसी बच्चे को ये अपने हाथों से बांधती है और भी रस्सी के सहारे पेड़ में गाय भैंस और अन्य जानवरों की तरह, तो इनके दिल पर क्या गुजरती होगी इस बात का अनुमान आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये अभी भावुक है और इनकी किसी भी प्रकार की आज तक मदद नहीं की गई, किसी ने मदद नहीं की। केहू नहीं क्या कोई ले अगर आ रानी लगे मीडिया ला तो 200 रुपया को के 500 रुपया दे ले बानी लगे ना, एक रत्नेश्वर मुखिया कोई। देखिए मीडिया का मैं दोष नहीं देना चाहता हूँ, मीडिया तो एक आईना होता है, उस समाज को दिखाता है कि चलिए कहीं ना कहीं दिखाया तभी हम लोग आए, और वो खुद मतलब जितना वो सक्षम था उसने मदद करने का प्रयास किया। ये गोपालगंज जिला है, कौन सा गाँव है? गोपालगंज जिला। गाँव कौन सा? सलेमपुर पंचायत। सलेमपुर पंचायत गाँव? सलेमपुर घाट। सलेमपुर घाट इधर गंडक नदी बह रही है, और ये बच्चा जो है अपने आप में मस्त रहता है, और सुनने में आया है कि ये जो मिट्टी है ना इसको इन्होंने ही खोदा है, अपने हाथों से ही खोद दिया ये। ये अपने हाथ कोड़े लेना मुंह में लगावे लेना थी कोलन कुछ भी कचरा रहला मुंह में अपना डाल लेवे ले। आज तक प्रशासन का कोई अधिकारी बड़ा डॉक्टर कोई भी आपसे मिलने नहीं आया गोपाल ना? एगो वीडियो आ रही तब वो ओकरा बाद एती होली कॉलेज हम रहे तो कुछ को दे मैं ना रह तो कोनो हमरा अधिकारी नहीं के। अच्छा क्या इनको बीमारी है कुछ पता लगा है आप लोग? बीमारी है लौके लाज मिर्गी टाइप के उपरे लाइन का देह से आगे बुझाला जे के कहाँ भाग जाए या का खो दी आगे भाग वहीं का फेरा में रहे लन जहाँ ना था कोई नदी नाला बट डूब धर जा। अच्छा इलाज इलाज अगर करवाया जाए तो ठीक हो सकते हैं कि नहीं? हाँ ठीक हो जाए। मतलब इलाज है इस दुनिया में? हाँ इलाज है। इलाज बाटे इनका लाए ये ती बाटे बहुत जगह कॉलक लो जल्ले जाके इलाज करा कब हमारे लोग ये ती ना के जाएंगे के लेके पहले से बहुत ये ती बाने एगो दिमाग के बस उनका नर्वस बाड़े पहले से क्या ठीक बाड़े पहले से ठीक है हाथ गोड़ से सबसे लूज हो गए रहले। कितने साल के हैं ये? 16 साल के। 16 साल के। हाँ। अच्छा मतलब 16 साल के हैं, तो इनको कितने साल से बांध कर आप रख रही हैं? 11 साल से। 11 साल से। हाँ। पिताजी इनके क्या करते हैं? वे कुदारी उदारी चलावे नहीं खेती किसानी। हाँ। देखिए ये मजदूर घर से हैं, मजदूर परिवार से हैं, और कहीं ना कहीं इलाज में इनके पैसा लगेगा इसलिए सक्षम नहीं है, इसलिए इलाज करवाने के लिए जा भी नहीं रहे, बस इनको एक जानवर की तरह पाल रहे हैं पोस रहे हैं। माफ कीजिएगा जानवर शब्द का इसलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि इनकी दशा और दिशा ऐसी बन गई है, कारण कि ये इनका इलाज नहीं करवा पाते और जिस कंडीशन में इन्होंने इनको बांध कर रखा है उस प्रकार से तो लग रहा है कि जानवर ही हैं। क्यों
वही आप जानवर कहती है, अब जेड संतान बना था। कितने बच्चे हैं आपके? चार गो, तीन लड़का एक लड़की। ये कौन से नंबर के हैं? ये पहले जेठी है बड़े, सबसे बड़ा यही है और तीनों ठीक है सब? हाँ, दो लड़का ठीक बड़ा, एगो साल भर के बड़ा, एगो पाँच साल के, और सब ठीक है, बस यही दिक्कत है। इनके दिक्कत बा। खाना वाना खाते हैं? खियावल जाला अपना हाथ से, मर मैदान कर लो तो काट के बिगल जाला भाई, बर बिछन पर करियन तो पीचल का चढ़ा। देखिए ये भोजपुरी बोल रही है, तमाम लोगों को हो सकता है जानने समझने में दिक्कत हो, मैं तो इस देश के तमाम माननीयों से, तमाम रियल हीरो और नेताओं से आज मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं कि गोपालगंज बिहार के इस लाल को बचा लीजिए। आप लोग चाहेंगे तो इसका इलाज हो जाएगा, और इलाज हो जाएगा तो ये भी हम जैसे लोगों की तरह साधारण जीवन व्यतीत कर पाएगा और आम आदमी की तरह जो है खा सकेगा, बोल सकेगा, चल सकेगा, और इस माँ का भी दर्द जो है वो कम हो सकेगा। उम्मीद है किसी से? हाँ, उम्मीद ये बाटे जो बच्चा हमार नीमन हो जाए। तो हम सुनता नहीं, जो सोनू सर बानी एगो, सोनू सूद सर, सोनू सूद सर जी, उन्हें से निवेदन करते हैं जो हमारा बच्चा के नीमन करा दी। हमारा पैसा कौड़ी हमारा हाथ में कुछ ना चाहिए। हमारा सोनू सर, आपका चर्चा बिहार में बहुत जोर शोर से होता है, इसलिए बेबस माँ ना आपसे आग्रह कर रही है, निवेदन कर रही है भोजपुरी में कि सोनू सूद जी, अगर हमारा बच्चा नीमन यानी अच्छा और स्वस्थ हो जाएगा तो हम आपका बहुत धन्यवाद अदा करेंगे। क्या कहना चाहती सोनू सर से बताएं? हम इतने बार का निवेदन करते हैं जो हमारे बच्चा निमन करा दी। सब बहुत जगह का हम यति सुना था जो वहाँ का हमारे सबको बच्चा के अती को दिन थे, हमरो बच्चा के निमन को दी हम कर जो सोनू सूद सर। हाँ। किसी और से उम्मीद नहीं खे बा ना, केहू से हमरा उम्मीद नहीं सर, सिर्फ और सिर्फ सोनू सूद सर जी से। हाँ, उन्हें से अति बाटे हमरा, बस उन्हीं से उम्मीद है कि वो चाहेंगे तो हमारा बच्चा का निमन करा दे। सोनू सूद जी ये कह रही है कि आपने बहुत लोगों की मदद की है, बहुत सारे बच्चों की जान बचाई है, और अगर आप चाह जाएंगे तो इनका बच्चा जो है वो स्वस्थ हो जाएगा। बस उतने कहती हमारा बाजा, हमारे बच्चा का निमन करा दे तो वहाँ ऐसा पृथ्वी में आदमी हम ना देखने। चलिए, हो सकता है, मैं आप लोगों से भी हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि सोनू सूद सर जी तक ये बात जरूर पहुँचाएं ताकि इनके बच्चे को एक नया जीवन मिल सके, इन माता का दर्द जो है वो कम हो सके। बाकी जो है इसका इलाज है ऐसा इन्होंने बताया, अगर इलाज है तो इलाज होना चाहिए, क्योंकि आजाद देश में और इसके बाद लोकतांत्रिक देश में, संवैधानिक देश में जो है सबको इलाज का अधिकार है और इलाज सबका होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का दायित्व तो बनता है, लेकिन जब सरकारें और सत्ताएं जो है गूंगी और बहरी हो जाए तो किसी ना किसी मसीहा को सामने आना पड़ता है, और सोनू सूद सर वही काम करते हैं, और इसीलिए ये बेबस मां सरकारों से नहीं सोनू सूद सर से जो है आग्रह कर रही है। क्यों? हम सोनू सर से हम एति करता नहीं, हम जब वहां से हम कर जोड़ता जो हमारा बच्चा का निमन करा दी। सरकार लोग केहू हमारा से लड़ नहीं खेती जी। हाँ, उतना कहती हमारा बात। चलिए, मैं इस वीडियो को दिखाने का मकसद इतना था कि इनका इलाज हो पाए। बाकी गोपालगंज के स्थानीय प्रशासन या चिकित्सा विभाग से कोई भी अधिकारी देख रहा है तो यहाँ पर जो है इनको तुरंत ज्ञापित करें और यहाँ पर तुरंत मौके का मुआयना करके जो है इनको हर संभव मदद का प्रयास करें। बाकी इस बच्चे को एक नया जीवन मिल सके, मैं ऐसी कामना करता हूँ भगवान से। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।